हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु डायरीज। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर बहुत सारे ना होम बेकर्स जुड़े हुए हैं और आप सभी जानते हैं मैं अपना मेन जो बेकिंग चैनल है तारा मधु की रसोई, उस पर डेली दोपहर 2:30 बजे से लाइव क्लासेस देती हूँ, जिसमें मैं बेकिंग से रिलेटेड सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाती हूँ, केक्स के ऑर्डर पूरे करती हूँ, नए नए थीम्स के केक बनाती हूँ, कुकिंग बेकिंग सारी चीज़ें, यहाँ तक कि कुकीज, ब्रेड, डोनट, पफ पैटी, सारी चीजें आजकल मैं सिखा रही हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले तो आप मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डेली दोपहर 2:30 बजे मेरी क्लासेस को, लाइव क्लासेस को जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आती हैं, उनसे बहुत कुछ सीखो। लेकिन जब मैं अपनी लाइव क्लास लेती हूँ तो आप सभी समझते हैं, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो कमेंट सेक्शन जो होता है सामने स्क्रीन पर, उसका कई बार जवाब नहीं दे पाते हैं। वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ भी काम करूँ और सामने भी काम करूं, बट 3-4 घंटे अगर आप किसी रेसिपी को बना रहे हैं और पूरी डेडिकेशन से बना रहे हैं तो एक नॉर्मल सी बात है कि बहुत सा कमेंट छूट सकता है, क्योंकि चैट रेट बहुत हाई होता है, पब्लिक इतनी सारी होती है कि हर किसी के कमेंट का, क्वेश्चन का, क्वेरी का आंसर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वहां पर बहुत से लोग लिखते भी हैं, मैम आप इग्नोर कर रही हो या मैम आप हमारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रही हो। तो ऐसा तो पर्सनली नहीं है, मेरी तो कोशिश रहती है कि मैं हर किसी के क्वेश्चन का आंसर करूँ, बट आप सभी जानते हैं लाइव में पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जो रेगुलरली क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जो मैंने अभी रिसेंटली 1-1.5 महीने से देख रही हूँ, वो ये है कि मैम मैं ओटीजी कौन सा लूँ। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे मन में भी आता था जब मेरे पास ओटीजी नहीं था, और इसको पूछने के लिए हम भी इधर उधर जो हमसे बड़े हैं, जो जानते हैं इस चीज में, जो इस फील्ड में है, उनसे हम पूछते थे, पर आंसर कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलता था। वही क्वेश्चन आप लोग भी डेली लाइव क्लासेस में और मेरे स्टूडेंट्स भी मुझसे पूछते हैं कि मैम ओटीजी कौन सा लूँ, कौन सी ब्रांड का लूँ कि मेरे सारे पर्पस सॉल्व हो जाए। तो आज इसका एक सिंपल सादा मैं आपको आंसर देने वाली हूँ, जिसे आई होप आपका ओटीजी से रिलेटेड ना सारा डाउट दूर हो जाएगा। तो वो तो मैं दूर करूंगी फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले ना एक प्रोडक्ट मैंने मंगाया है, अगारो का सलाद स्पिनर, जिसकी कैपेसिटी है 5 लीटर और मॉडल है एलाइट। और सच में फ्रेंड्स, आजकल की जो हमारी सब्जियां और फ्रूट्स आते हैं ना, उनके लिए ये जो स्पिनर है ना, वो बहुत यूजफुल है। तो बाहर की लुक तो देखिए कितनी प्यारी है, और अंदर से भी ना फ्रेंड्स, आप इसमें बहुत सारा ना फूड स्टफ अपना क्लीन कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। अभी मैं एक एक करके दिखाऊंगी आपको, बट इस तरीके से इसके अंदर ये बास्केट होती है सिंपल सी, इसको आपको इसमें सेट करना होता है, इसके ऊपर ये जो लिड है इसे लगाना होता है, और ये लिड ना इस तरीके से स्पिन करती है जिससे कि आपकी सारी जो फूड आइटम्स है वो अच्छे से क्लीन हो जाती है। ये देखिए, सिंपली आपको रोटेट करना है, बिल्कुल मशीन मैनुअल है, कोई इसे चार्जिंग की या इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत नहीं है, किचन में आपके काउंटर पर साइड में रखी रहेगी और आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो मान लीजिए आपने मार्केट से मंगाया है धनिया, पुदीना या पालक मंगाया, और अभी चल रहे हैं बरसात के सीजन, तो बहुत सारी ना गंदगी उसमें आ जाती है, और हमें कभी कभी टाइम नहीं मिलता, हम पालक को धो करके रख दें फ्रिज में तो वो गीला होकर के खराब हो जाता है। तो अगर आप इस स्पिनर में उसे वॉश करके रखेंगे तो बिल्कुल पानी नहीं बचेगा और वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स, सब्जियों के अलावा आपने मान लीजिए पास्ता बनाया है, नूडल्स बनाए हैं, उनका पानी आपको ड्रेन आउट करना है, तो वो भी इसमें कर सकते। सिंपली मशीन को घुमाइए और साइड में जो बटन है ना, उसको प्रेस करने से ही इंस्टेंट रुक भी जाता है। तो मान लीजिए अभी मैंने जैसे मंगाया है पुदीना, पुदीना मैंने धो लिया, खूब सारा पानी है, अब ना इसे मैं फ्रिज में रख सकती हूँ क्योंकि पानी लगा, पुदीना अगर रखूंगी तो खराब हो जाएगा, और रोजाना मार्केट जाना होता नहीं है। तो बस आपको क्या करना है, पुदीने को वॉश करके इसमें डाल दीजिए और इसकी लिड लगाइए और इसको स्पिन कर दीजिए। आप अपने घर में वॉशिंग मशीन तो यूज करते ही है ना, उसमें हम क्या करते हैं, ड्रेन वाले सिस्टम में सारा पानी ड्रेन कर देते हैं और कपड़े हमारे बहुत से सूखे हो जाते हैं और जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। सेम यहाँ पर भी वही करना है, ये देखिए प्रेस करने से ये इंस्टेंट रुक जाएगी, बस हल्के हाथों से इसे आपको घुमाना है। ये काम आपका बच्चे भी कर सकते हैं, कोई सब्जी आपने काटी है जिसको आपको अच्छे से क्लीन करना है वो भी आप इसमें डालकर कर सकते हैं, सलाद धो सकते हैं, पानी एकदम ड्रेन हो जाता है। तो अभी मैंने घुमाया तो देख सकते हैं इसके जो साइड में पानी कैसे आ रहा है, मतलब पुदीने का जितना भी एक्स्ट्रा पानी था, जो मैं कितना ही छानती, छन्नी में भी डालती ना तो वो नहीं निकलता, वो इसने अच्छे से निकाल दिया और पुदीना एकदम ड्राई हो गया है, मैं इसे फ्रिज में आराम से स्टोर कर सकती हूँ। अभी खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए जैसे हमारी मशीन में कपड़े ड्राई हो जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही पुदीना भी एकदम ड्राई हो गया है और एक्स्ट्रा जितना पानी था ना वो नीचे वाली बास्केट में आ गया है। देख सकते हो पुदीना एकदम ड्राई है। तो धनिया हो, पालक हो, आराम से क्लीन कीजिए, मेथी हो, बथुआ हो, सर्दियों में सब कुछ आराम से ही क्लीन करेगा। और इसे यूज करना भी काफी आसान है, आराम से जैसे बर्तन धोते हैं वैसे ही आप इसे धो लीजिए। कैपेसिटी 5 लीटर की है तो अच्छा खासा बल्क में
अगर आप फूड आइटम भी लाते हैं ना, तो वो भी वॉश करके फ्रिज में आराम से क्लीन करके स्टोर कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से फ्रेंड्स फुल ऑन मार्क्स हैं, आप इस प्रोडक्ट को जरूर मंगाइए, काफी यूजफुल है, काफी इजी टू यूज एंड इजी टू हैंडल है, और इसका ऑनलाइन परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप ले सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं एक होम बेकर हूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हूँ, तो मेरा काम है हर नई चीज के बारे में आपको बताना। चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक ओटीजी के ऊपर। देखिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप ओटीजी क्यों ले रहे हैं। क्या आपको अपनी घर की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है कि केक बनाना है या पिज्जा बनाना है या कभी डोनट बनाना है या खाने को गर्म करना है, आप किस लिए ओटीजी ले रहे हैं? आपको बेकिंग में इंटरेस्ट है तो फॉर श्योर आप ओटीजी लीजिए। आप सभी को पता है ओटीजी इसका मतलब होता है ओवन टोस्टर ग्रिलर, ठीक। इसमें आप ओवन का काम कर सकते हैं, बेसिकली ओवन का काम होता है चीजों को बेक करना, ठीक। उसके बाद आता है टोस्टिंग, टोस्टिंग का मतलब होता है पकी पकाई चीज को थोड़ी सी टोस्टिंग कर देना, उसको कलर दे देना, उसकी थोड़ी क्रिस्पीनेस बढ़ा देना। वहीं जो ग्रिलिंग पार्ट है वो भी इसी तरीके का पार्ट है, जहां खाना पका पकाया है आपको सिर्फ उसको बाहर की लेयर को ग्रिल करना है, मैरिनेट को ग्रिल करना है, ठीक। तो इसीलिए हम लोग लेते हैं ओटीजी। ओटीजी को कभी भी खाने को गर्म करने के लिए नहीं लिया जाता, क्योंकि ओटीजी की प्रोसेस टेम्परेचर के हिसाब से होती है, बहुत स्लो प्रोसेस होती है। तो अगर आपको खाना इंस्टेंट गर्म करना है तो मुझे नहीं लगता कि आप ओटीजी में खाना गर्म करेंगे, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है माइक्रोवेव। तो अभी मैं माइक्रोवेव की चर्चा नहीं करूंगी, हम केवल ओटीजी के बारे में ही सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे। तो खाना गर्म करने के लिए तो ओटीजी को बिल्कुल परचेज ना करें, बेकिंग से रिलेटेड कुछ काम सीखना है, बनाना है, तो ओटीजी परचेज करें। यहीं पर एक दूसरी चीज भी आती है ओवन, जो केवल ओवन का काम करता है, जिसमें केवल एक हीटिंग एलिमेंट होता है और आपका केवल काम जो आप बना रहे हो वो पकता है, उसमें ऊपर की रॉड्स, नीचे की रॉड्स, फैन मोड ये सब नहीं होता, जैसे कि टोस्टिंग और ग्रिलिंग नहीं होती, केवल और केवल बेकिंग होती है। तो पहले ओवन चलता था, बट अभी उसका एक नया वर्जन आ गया है ओटीजी, ओवन टोस्टिंग एंड ग्रिलर। तो आप ये ज्यादातर लें, क्योंकि अभी नया आगे आगे जमाना आ रहा है, हमें नई नई चीजें ट्राई करनी होती है, तो आप ओटीजी लें अगर रिसेंटली सोच रहे हो। अगर आपके पास पहले से ओवन है तो आप उसी में अपनी बेकिंग कंटिन्यू कीजिए, बट ग्रिलिंग और टोस्टिंग उसमें थोड़ा ठीक से नहीं हो पाता। तो ये तो बात हो गई कि खाने को गर्म करने के लिए भाई हमें माइक्रोवेव लेना है, और बेकिंग करने के लिए हमें नॉर्मल ओवन लेना है। और अगर हम बेकिंग में ही कुछ नई नई चीजें बना सकते हैं केक को छोड़ करके, तो हमें लेना है ओटीजी। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो ये कि मैं कितने बड़े साइज का या कितने लीटर का ओटीजी लूं। देखिए मैं एक होम बेकर हूं, मेरे संग बहुत सारी ब्रांड्स जुड़ी हुई हैं, तो मेरे पास 25 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर, 48 लीटर, 60 लीटर सारे ही ओटीजी हैं, और मैंने सबको रेगुलरली यूज किया है अपने ब्रांड्स के वीडियोस बनाने के लिए, अपने केक के ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए। तो मुझे लगता है मैं आपको बहुत अच्छे से बता पाऊंगी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, और उससे आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। देखिए साइड में आप जो फोटो देख रहे हैं ये है 25 लीटर ओटीजी, ये सारे ओटीजी मेरे पास है, बट सभी ओटीजी को बार बार यहाँ लाना हटाना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने सोचा एक फोटोग्राफ लगा के आपको समझाती हूँ। ये है हमारा 25 लीटर ओटीजी, इसका जो डायमीटर है वो लगभग इतना है कि आप 10 इंच का जो केक टिन है वो आराम से रख सकते हो, 11-12 इंच में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, फंसेगा, तो आप 10 से 11 इंच तक मान के चलिए आराम से अपना केक टिन रख सकते हो, लेकिन केवल एक आपका आएगा, उसके बाद कोई स्पेस नहीं रहेगी। तो अब आप सोचिए कि अगर आपको घर के लिए केक का काम करना है तो आप आराम से कर ही सकते हो, 2 आधा केजी केक इसमें आराम से जाएंगे, और अगर कोई बड़ा ऑर्डर है 1 केजी 1.5 केजी 2 केजी तक का, तो भी आप 11 इंची का बर्तन रख सकते हो। बट क्या होगा अगर आपको 3-4 केक एक साथ बनाने हो, तो आपको ये ओटीजी जो है 2-3 बार में यूज करना होगा, ठीक है, मतलब एक बार बना लो, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। तो अगर आप घर के लिए केक बनाते हो और घर की चीजों को ही पूरा करना है, घर की जरूरतों को, आगे आपके कुछ प्लान्स नहीं है बेकिंग में होम बेकर बनने के, ऑर्डर्स पूरा करने के, तो आप 25 लीटर ओटीजी आराम से परचेज कीजिए, बजट फ्रेंडली है। मैं सभी ओटीजी के लिंक्स आपको दूंगी, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हो, ठीक। तो 25 लीटर ओटीजी एक घर के लिए बहुत ही बढ़िया है, हालांकि इससे आप 1-2 ऑर्डर्स भी पूरे कर सकते हो अगर छोटे लेवल से स्टार्ट करें। बट वहीं पर अगर आप सोच रहे हो कि मैं थोड़ा सा बेकिंग सीख लूं, घर में भी केक अभी प्रैक्टिस करूं, और थोड़े दिन बाद मैं बाहर के भी ऑर्डर्स लूं, तो ये छोटा ओटीजी आपके, कई बार क्या होते हैं कपकेक का ऑर्डर आ गया मान लो 50, तो आप कितनी बार इसमें कपकेक्स रखोगे, 1 बार 2 बार 3 बार, इसमें काफी टाइम जाएगा। तो आप इससे थोड़ा बड़ा वर्जन 40 लीटर ओटीजी का ले सकते हो। 40 लीटर ओटीजी में आराम से 12 इंची का बर्तन जाएगा, आपके 3 आधा आधा केजी के बर्तन भी उसमें जाएंगे,
आप कपकेक्स भी बनाना चाहते हो तो 15 से 16 कपकेक एक साथ बन पाएंगे, ठीक है। और भी कई सारी चीजें आप थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा में कर सकते हो, रेट्स में थोड़ा फर्क है। और आप देख सकते हो 40 लीटर साइज का ओटीजी मैंने साइड में लगाया है, तो ये भी आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। अच्छा, टेम्परेचर 25, 40 लीटर ओटीजी का सबका नॉर्मल ही रहता है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद आता है 48 लीटर ओटीजी, जो कि 8 लीटर ज्यादा है, तो थोड़ा बहुत मार्जिन इसमें भी फर्क होगा, रेट में भी थोड़ा बहुत फर्क होगा, इसे भी आप थोड़ा बड़े लेवल के लिए ले सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स आता है 60 लीटर ओटीजी, जो काफी बड़ा है आप देख सकते हो, और इसमें आप 4 से 5 आधा केजी के केक बना सकते हो, 1 केजी के भी 2 या 3 तो केक आराम से बनेंगे। साइजेस इसमें भी काफी बड़े बड़े जो ट्रेज होते हैं वो भी आपके जा सकते हैं, बट ये ओटीजी आप तभी लीजिएगा जब आपको पता है कि आपने कमर्शियल लेवल पर काम करना है, आपको बड़े बड़े स्पॉन्जेस बनाने होते हैं, आपके दिन में 4 से 5 ऑर्डर आते हैं, बल्क में ऑर्डर आते हैं, पार्टीज के ऑर्डर लेते हैं आप, किसी फेयर या किसी एग्जीबिशन में भी आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ करने की, तो आप ले सकते हैं इसका, क्योंकि साइज बड़ा है तो रेट भी ज्यादा होगा और टेम्परेचर सेटिंग भी इसकी नॉर्मल ओटीजी से अलग होगी। तो सिंपल सी बात है, घर के पर्पस के लिए आप 25 लीटर ओटीजी ले लीजिए, 40 लीटर ओटीजी ले लीजिए, थोड़े से बड़े लेवल के लिए आप 60 लीटर ओटीजी ले लीजिए। तो यहाँ पर मुझे लगता है ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जो रोजाना पूछा जाता है कि मैम कौन सा ओटीजी लूँ कौन सा नहीं लूँ, इससे दूर हो गया। अब बारी आती है कि मैम ओटीजी किस ब्रांड का अच्छा है। देखिए, मैं अमेरिकन माइक्रोनिक्स का ओटीजी यूज करती हूँ, मेरी वो ब्रांड है। मैं अगारो के ओटीजी यूज करती हूँ, वो मेरी ब्रांड है। और मैं बजाज का भी ओटीजी यूज कर चुकी हूँ, जो मेरे रेगुलर व्यूअर है, मेरे चैनल पर मुझे देखते हैं वो जानते हैं। तो ये सारे ओटीजी मैं ये यूज करती हूँ, और भी अलग अलग ब्रांड्स हैं, मैं किसी को गलत बुरा नहीं कहूंगी, सारे ओटीजी अपने में बेस्ट है। बट अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताऊंगी तो मुझे अगारो के ओटीजी ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छी बात, इनमें रॉड सिस्टम है, मतलब नीचे के जो हीटिंग एलिमेंट्स हैं वो अलग है, ऊपर के हीटिंग एलिमेंट्स अलग है। तो क्या होता है, बहुत सी रेसिपीज में हमें नीचे के रॉड्स का टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत सी रेसिपीज में हमें ऊपर का चाहिए होता है, बहुत सी रेसिपीज में हमें दोनों चाहिए होते हैं, और कुछ रेसिपीज ऐसी हैं जिसमें हमें फैन भी चाहिए होता है। तो अगारो हमें ये सारी फैसिलिटी अपने ओटीजी में देती है, 25 में भी, 40 में भी, 48 में भी, 60 में भी, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे मैम रॉड सिस्टम कुछ समझ में नहीं आया, तो देखिए बेकिंग हमेशा टेम्परेचर से होती है जो कि बॉटम से मिलता है। तो रॉड सिस्टम होने से आप यहाँ पर मैन्युअली इसे सेट कर सकते हो कि नीचे की रॉड ऑन रहेगी, ऊपर की रॉड ऑफ रहेगी, आपका केक 25 से 30 मिनट्स में बहुत ही परफेक्टली बेक होगा। अब यहीं पर मान लीजिए कोई और दूसरी ब्रांड का ओटीजी है जहां पर रॉड सिस्टम नहीं है, तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं मैम इसमें क्या करें, तो ऐसे ओटीजी में कोशिश कीजिए फैन वगैरह ऑन करके, ताकि उसके अंदर टेम्परेचर एकदम सर्कुलेट होता रहे और आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपकी रेसिपी है, वो अच्छी बने, ठीक है। अब अगारो में रॉड सिस्टम के साथ फैन मोड भी दिया है, बहुत सी रेसिपी में हमें फैन भी चाहिए होता है, ऊपर की रॉड चाहिए होती है, जैसे कि चोकोलावा, ग्रिलिंग में हमें ऊपर की रॉड चाहिए होती है, रोटेसरी चाहिए होता है, तो वही हमें प्रोवाइड करता है। साथ में ब्रेड वगैरह, डोनट, जो बेकिंग की बेकरी आइटम्स है जो ईस्ट से बनती है, उसमें हमें दोनों रॉड चाहिए होती है। कई बार हमारा काम इतना ज्यादा हो जाता है कि हमें प्री हीट का टाइम नहीं मिलता, तो हम दोनों रॉड्स को ऑन करके अगर रेसिपी को 10 मिनट रख दें तो उससे हमारी बहुत सारी हेल्प हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि रॉड सिस्टम से मैन्युअली सेटिंग करके हम बहुत सी रेसिपीज को, वैरायटीज को बना सकते हैं। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था फ्रेंड्स, मैंने मेरे बताया, तो अब आपके ऊपर है, आपका बजट देखिए, आपकी रिक्वायरमेंट देखिए कि आपको कैसे लेना है और आप उसे यूज कर सकते हैं। मैंने बजाज का ओटीजी का भी डेमो वीडियो बनाया हुआ है, मैंने अगारो के हर ओटीजी का डेमो वीडियोस बनाए हुए हैं, मैंने अमेरिकन माइक्रोनिक्स के ओटीजी के वीडियोस भी बनाए हुए हैं। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सबके डेमो वीडियोस देख करके अपना डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि मैम माइक्रोवेव में बेकिंग और सिखाइएगा। तो देखिए, मैंने 2 से 3 बार अपने माइक्रोवेव में बेकिंग की, मुझे उसके रिजल्ट ओटीजी के कंपैरिजन में परफेक्ट नहीं लगे। तो जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होंगी, मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूंगी। ऑल्दो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम मैंने माइक्रोवेव के कन्वेक्शन मोड में बेकिंग की है, बहुत अच्छा बना, तो ये उनका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स उन्हें मिला, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बट एज अ पर्सनल, मुझे माइक्रोवेव की बेकिंग पसंद नहीं आती, बिकॉज वो थोड़ी फास्ट होती है, माइक्रोवेव वाली, कन्वेक्शन की थोड़ा स्लो होती है। बट क्वेश्चन वही आता है, माइक्रोवेव हमेशा बेकिंग टॉप हीटिंग करके करता है, जो कि बेकिंग की फील्ड में उतनी अच्छी नहीं होती जितनी ओटीजी में होती है, जो कि नीचे के रॉड से टेम्परेचर को देता है। वैसे अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप दोनों को ट्राई करके देखो और फिर आप ही अपना डिसीजन लीजिए। माइक्रोवेव के केक थोड़े हार्ड बनते हैं, ओटीजी के केक थोड़े सॉफ्ट बनते हैं, फ्लफी बनते हैं, और रिजल्ट भी अच्छे स्पॉन्जी आते हैं। तो ये फ्रेंड्स, मैंने एक जनरल सा क्वेश्चन का आंसर जो मेरे लाइव में पूछा जाता है वहां मैं दे नहीं पाती, क्योंकि अगर इतना एक्सप्लेन करूंगी तो रेसिपी पूरी नहीं हो पाती, वो मैंने यहाँ दे दिया है। आई होप आपके काफी सारे
जो डाउट्स हैं वो दूर हो गए होंगे। स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से उसके ऊपर एक वीडियो जरूर लेकर आऊंगी और आपके सारे डाउट्स को दूर करूंगी। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस जिसमें मैं जानकारी आपको बताऊं वो आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि टॉपिक पर मैं आपको ये वीडियोस प्रोवाइड करूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है, यूजफुल लगी है तो लाइक शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, मेरे मेन यूट्यूब चैनल तारा मधु की रसोई की फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस में जरूर आकर देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।